अभी जो मैंने एक लास्ट वीडियो आपके लिए बना के दिया हुआ था, जिसमें मैंने आपके लिए ड्रॉप शिपिंग के बारे में पूरी जानकारी दी हुई थी, आप यहाँ पे ये वाला वीडियो देख सकते हैं कि आप ऑटोमेटिक ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपके लिए बताया था कि कैसे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ये आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने सारी चीजें आपके लिए A to Z बताई हुई थी। अब यहाँ पे जो मोस्टली लोगों के कमेंट आए हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों के कमेंट थे कि हम यहाँ पे सेल कैसे लेके आएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल कैसे लेके आएंगे, या फिर बहुत सारे लोगों का था कि हम ट्रैफिक कैसे लेके आएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज का वीडियो हमारा इसी पे बेस है कि आपने अगर एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाया, अब वो आपने अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर चाहे आप तो शॉपिफाई में बनाए, वूकॉमर्स में बनाए या चिप में बनाए, कहीं भी आपने अपना एक स्टोर बनाया है या ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाया है, उसमें आप ट्रैफिक कैसे लेके आएंगे। आपके लिए मैं वो तरीके बताऊंगा जो बिगनर्स के लिए काम करते हैं और इसके साथ ही आपके लिए इंस्टेंट सेल आएगी। तरीके हजार हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे तरीके मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। इसी के साथ इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये जो वीडियो है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और अगर ज्यादा लंबा होगा तो मैं इसका सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगा। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे मैंने पूरे नोट्स बना के रखे हुए हैं कि किन किन तरीकों से आप लेके आ सकते हैं एज अ बिगनर। अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो इसका सेकेंड पार्ट आएगा, अगर इसमें ही सारे कवर हो जाते हैं तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नए नए वीडियोस लेके आने के लिए। और इसके साथ ही मैं आपके लिए एक और चीज बोलना चाहता हूं कि यहां पे मैं आपके लिए पूरा डिटेल में देने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि मैं डिटेल में नहीं बता सकता, वरना ये वीडियो तकरीबन 4 से 5 घंटे का हो जाएगा। तो मैं यहां पे जो भी पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर आपके लिए लगता है कि उसमें आपके लिए डिटेल में वीडियो चाहिए है तो भी आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत प्रसोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एवीएस टेक अनंत प्रसोनी में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ई कॉमर्स स्टोर पे या ड्रॉप शिपिंग स्टोर पे ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है SEO। SEO में आप ये मत समझिए कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी पूरी वेबसाइट का SEO करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए कि आपके लिए अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन करना। ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं यहाँ पे स्टोर दिखा दिया करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक स्टोर दिखाई दे रहा है। चीजें यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट है, इसीलिए आपको ये वाला स्टोर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली बात है ये सेल अच्छी जनरेट कर रहा है, सारी चीजें परफेक्ट है। सबसे पहली चीज आती है कि आपके लिए एक अच्छा खासा होम पेज बनाना है। होम पेज बनाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसी टाइप के ड्रॉप शिपिंग स्टोर या शॉपिफाई स्टोर्स को आप विजिट कर सकते हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी का भी लुक एंड फील पसंद आता है वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आप समझ के रखिए कि आप अगर कोई प्रोडक्ट शेयर कर, प्रोडक्ट देखने के बाद जो बंदा नेक्स्ट चीज देखता है वो होता है आपका होम पेज। अगर होम पेज उसके लिए इफेक्टिव लग जाता है तो आप ही समझ लीजिए कि आपके पास ऑर्डर आ गया। जो सेकंड चीज आती है कि आपका प्रोडक्ट पेज, यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट मैं ओपन कर लिया करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये कहा जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेजेस जो है, इमेजेस एकदम हाई क्वालिटी यूज की गई हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टोर है वो भी तुरंत के तुरंत लोड हो रहा है। मतलब कहा जाए तो स्टोर भी फास्ट है और यहाँ पे SD इमेजेस का यूज किया गया है। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। आपको ना ही तो ज्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना है ना ही बिल्कुल छोटा डिस्क्रिप्शन लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो कुछ इमेजेस वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही मैंने एक वीडियो आपके लिए बना के दिया हुआ था, वो वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो आपके लिए एक वीडियो दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने आपके लिए बताया था अवॉइड 10 मिस्टेक्स ऑन प्रोडक्ट पेज। सिंपल सा, अगर आप अपनी प्रोडक्ट पेज पे ये 10 गलतियां अगर आप सुधार लिया करते हो तो 100% आपको सेल आएगी। ये वीडियो जो है, ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है लेकिन ये ओल्ड इज गोल्ड है, मतलब जो उस टाइम काम करता था ये आज भी काम करेगा।
अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका नया वीडियो भी दे दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये वाला वीडियो चेक करना है, ये मस्ट है, ठीक है। तो ये वीडियो आप जरूर चेक कर लेना, इसमें मैंने वो सारी गलतियां बताई हैं, क्योंकि मैं सेम चीज बार बार आपके लिए नहीं बता सकता, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, या जिन लोगों ने भी तकरीबन 16,000 लोगों ने वीडियो देखा है तो ऑब्वियसली बात है उनका टाइम वेस्ट होगा। तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है कि कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको प्रोडक्ट पेज पे नहीं करना है। तो एसईओ में मैं कोई आपके लिए डिफिकल्ट एसईओ नहीं बता रहा हूं, लेकिन यहां पे जो आपके लिए एसईओ में तीन चीजें करना है, वो तीन चीजें आप सुन लीजिए कि एक जो है कि आपका टाइटल जो है, टाइटल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम छोटा सा, सिंपल, स्वीट कहा जाए तो 5 से 6 वर्ड में आपका टाइटल खत्म होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आती है वो है आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन एकदम शानदार लिखा होना चाहिए। कई बार अगर अली एक्सप्रेस आपके लिए डिस्क्रिप्शन नहीं भी देता है तो भी आपको अपनी तरफ से कहीं से भी फाइंड करना है, लेकिन एक डिस्क्रिप्शन जरूर लिखना है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो इमेजेस, GIF, जो भी आपके लिए लगता है वो सारी चीजें भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा थर्ड जो चीज चाहिए है कि आपको हाई क्वालिटी इमेजेस चाहिए है जिनको आपने कंप्रेस किया हो। कंप्रेस करने का मतलब ये है उसकी क्वालिटी कम नहीं हो लेकिन उसकी साइज कम हो जाए। आप चाहे तो ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपकी क्वालिटी कम किए बगैर उनको ऑप्टिमाइज कर दिया करती हैं, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी इमेजेस एकदम HD क्वालिटी में है। अगर कोई इसको जूम करके देखना चाहेगा तो वो बड़ी आसानी से इसको देख सकता है, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे जो एक और चीज आती है SEO में ही आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि रिव्यूज। तो रिव्यूज आप यहाँ पे सकते हैं कि रिव्यूज, बाकायदा यहाँ पे सारे रिव्यूज वगैरह आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे खासे रिव्यूज हैं। तो रिव्यूज भी आपके लिए जरूर इंपोर्ट करना है। अगर आप चिप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रिव्यूज आपके इंपोर्ट हो जाते हैं। अगर आप शॉपिफाई या वूकॉमर्स यूज कर रहे हैं तो आपके लिए रिव्यूज इंपोर्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स वगैरह होती है जो कि आप मेरे चैनल पे जाएंगे कि हाउ टू इंपोर्ट रिव्यूज, तो यहाँ पे आप सर्च करना, वो सारे वीडियोज भी आपके लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चाहे तो डायरेक्ट मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके लिए लगता है कि ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं या आपने शॉपिफाई में ऑलरेडी स्टोर बना के रखा है तो आप वो कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने उसमें A to Z बताई हुई है। तो ये जो थीम है, ये थीम मेरे कोर्स के साथ में फ्री मिल रही है, तो आप चाहें तो कोर्स भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। एक मैंने आपके लिए होम पेज बता दिया कि होम पेज आपके लिए कैसे करना है। दूसरा प्रोडक्ट पेज बता दिया कि प्रोडक्ट पेज का SEO, मतलब आप ये समझ के रखिए कि ये जो चीजें मैंने बताई हैं अब आप इसको SEO में कंसीडर कीजिए या पेज ऑप्टिमाइजेशन में कंसीडर कीजिए, लेकिन ये दोनों चीजें मस्ट हैं। अगर आप ये चीज नहीं करते हैं तो आप ये समझ के रखिए कि चाहे आप Facebook पे ऐड चला लो, चाहे आप कितनी भी जगह प्रमोशन कर लो, अगर आपने ये जो चीज है ये ठीक नहीं की तो आपको ऑर्डर आने वाला नहीं है, क्योंकि एट लास्ट वो बंदा आएगा इसी पेज पे। आप मान लीजिए कहीं भी प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं तो वो बंदा इस पेज पे ही आने वाला है, और जब वो यहाँ पे देखेगा कि आपने कोई भी चीज ढंग से नहीं लिखी हुई है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ऑर्डर नहीं आने वाला। तो ये जो चीज है, ये जो मैंने आपके लिए फर्स्ट पॉइंट बताया है, ये मस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपको आपकी पूरी मेहनत बेकार जा रही है, या जो आगे आप वीडियो देखने वाले हो वो चीज भी आपकी बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पेज और होम पेज, ये दोनों आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनके लिए ऑप्टिमाइज करें। इसके बाद आप चाहे तो कैटेगरी पेज, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए किसी भी हम कैटेगरी पे जाया करते हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि आप यहाँ पे नेम देख सकते हैं, साथ में एक छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप भी इसी टाइप से छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। कोई इमेजेस वगैरह लगाना चाहे वो इमेजेस वगैरह आप भी आप लगा सकते हैं। और ये भी चीज जरूरी है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि मान लीजिए आप ये मदर एंड किड्स वाली स्पेसिफिक कैटेगरी या कलेक्शन के लिए आप एड चला रहे हैं तो आपके लिए इसको भी ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। अब यहाँ पे फोर्थ जो चीज आती है वो आती है चेकआउट पेज। जो भी इसका चेकआउट पेज होता है वो भी आप देख लेना। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं और इसके बाद हम इसको एड टू कार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे हम चेकआउट पेज पे जाया करते हैं और चेकआउट पेज पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फालतू फीड्स नहीं देना है। एक चीज आपके लिए हमेशा याद रखना है कि अगर आप ये एक्सप्रेस चेकआउट का ऑप्शन दे सकते हैं तो ये बहुत शानदार बात है, लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप
आपको यहाँ पे जो एक काम करना है कि आपको फालतू फील्ड नहीं देना है। कभी कभी मैं कुछ स्टोर देखता हूँ जिसमें यहाँ पे कंपनी नेम भी मांग रहे हैं या फालतू की चीजें जिन फील्ड्स की कोई जरूरत भी नहीं है। अब कोई बंदा कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने आया है, ये प्रोडक्ट परचेस करने आया है, अब उसकी कोई कंपनी तो होगी नहीं, तो भी आप यहाँ पे अगर कंपनी नेम वगैरह ये फालतू फील्ड अगर एड कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं है। तो आपके लिए जो भी फालतू फील्ड्स हैं वो सभी फालतू फील्ड्स आपके लिए हटा देना है। एक और जो चीज है कि आपके लिए चेकआउट पेज भी ऑप्टिमाइज करना है। साथ में अगर आप यहाँ पे अगर आपके पास कुछ ऐसा फीचर है जिसकी वजह से आप यहाँ पे कुछ ट्रस्ट बैचेस वगैरह ऐड कर सकें तो वो आपकी इच्छा है, अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ये जो चीजें मुझे बताना था वो सारी चीजें मैंने आपके लिए बता दी कि ये जो चीजें हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि जहां पे आपका होम पेज, प्रोडक्ट पेज, कैटेगरी, चेकआउट और रिव्यूज, ये जो चीजें हैं आप इसको एसईओ में भी कंसीडर कर सकते हैं कि मान लीजिए ये वाला प्रोडक्ट ऑब्वियसली बात है शायद रैंक भी कर रहा हो तो आपके प्रोडक्ट रैंक भी कर सकते हैं, और अगर रैंक नहीं भी कर रहे हैं और आप एड वगैरह चला रहे हैं, कहीं प्रमोशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो आपकी मेहनत बेकार ना हो। उसके लिए सबसे पहला काम है कि ये जो चार पांच चीजें मैंने आपके लिए बताई हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको जरूर करना है। बात की जाए पॉइंट नंबर टू की तो वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ऑब्वियसली बात है आप लोग सुन के ऐसा आपको लगता होगा कि सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता, सोशल मीडिया से कोई ट्रैफिक नहीं आता है, और ऐसा आप लोग मान सकते हैं कि फ्री में सोशल मीडिया से कोई ट्रैफिक नहीं आता। लेकिन मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं कि अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, Pinterest और YouTube Shorts अगर आप इनका यूज करते हैं तो आप रियली बहुत शानदार अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर प्रूफ देखना है ना तो आप एक काम करना, एक मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पे, ये आप एक वीडियो देखना। 7 दिन के लिए एक मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाया था, ब्रांड न्यू स्टोर बनाया था, यहाँ पे आप ये वाला जो वीडियो है ये वाला वीडियो देखना, आपके लिए सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी कि रियली में ये चीज काम करती है कि नहीं करती है, ट्रैफिक यहाँ से कितना आ सकता है, ये चीज आप सोच भी नहीं सकते। मैंने सिर्फ 7 दिन फ्री एक Shopify स्टोर बनाया था और वहां पर मैंने इस चीज को ट्राई किया था। सिंपल सा मैंने जो यूज किया था वो इंस्टाग्राम यूज किया था, फेसबुक यूज किया था और साथ में यूट्यूब शॉर्ट्स का यूज किया था, इन तीन का मैंने यूज किया था और उससे मैंने 7 दिन में तकरीबन $450 की मैंने सेल निकाल ली थी, उसमें से तकरीबन 200 करीब मेरा प्रॉफिट हुआ था। तो ये जो वीडियो है ये आप चाहे तो एक बार वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे मैं आपके लिए सिंपल सा एक चीज बताना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम पे आप चाहे तो पोस्ट कर सकते हैं, रील्स पोस्ट कर सकते हैं, साथ में स्टोरीज, ये जो तीन चीजें हैं ये तीनों चीजें आप पोस्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और ट्रैफिक बहुत शानदार आता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपके लिए दिखा दिया करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी पोस्ट है, पोस्ट पे आप देख सकते हैं कोई खास कन्वर्जन नहीं है, कोई इतने अच्छे लाइक्स वगैरह नहीं आए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको अपनी रील्स दिखा रहा हूं। रील्स सिंपल सी मैंने तकरीबन 2-3 रील्स पोस्ट की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहली की थी उस पर 250 करीब आए थे, फिर यहाँ पे 6 व्यूज आए, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं 389 लोगों ने इसको देखा और आप यहाँ पे देख सकते हैं 1031 लोगों ने इस पोस्ट को देखा। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पोस्ट है ये कल साइड डाली थी जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था, आप इस पे भी देख सकते हैं तकरीबन 121 के आसपास रीच आई है। तो आप ये समझ के रखिए कि अगर आप रील्स वगैरह डालते हैं तो रियली बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपके लिए आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये फीचर आपके लिए जरूर यूज करना चाहिए। सेम चीज आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, फेसबुक ने भी सारी चीजें ऑब्वियसली बातें आपके लिए प्रोवाइड की हैं कि आप चाहे तो यहाँ पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं, वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं, स्टोरीज भी आप पोस्ट कर सकते हैं, सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छे कन्वर्जन आ सकते हैं। यहाँ पे किसी एक वीडियो पे आप देखेंगे तो वीडियो पे ज्यादा अच्छे कन्वर्जन आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने खुद के वीडियोस वगैरह भी पोस्ट किए हुए हैं तो वीडियोस पे ज्यादा अच्छा कन्वर्जन आता है। इसीलिए मैं आपके लिए एक ही चीज बोल रहा हूं कि वीडियोस और शॉर्ट्स वीडियोस का आजकल जमाना चल रहा है तो उस पे रियली आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक और जो चीज है वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट ने अभी एक और एक नया फीचर निकाला था जिसको उसने आइडिया पिन का नाम दिया है। आप ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिन्स आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और पिन से रियली बहुत अच्छा कन्वर्जन आता है। यहाँ पे ये चीज अभी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पे आप कुछ मेरे ऐसे पिन देखेंगे जिनमें बहुत अच्छा कन्वर्जन आया। आप ये सोचिए एक एक पिन के लिए तकरीबन हजारों लोगों ने उसको रीपिन किया हुआ है और रीपिन करने के बाद उस पर अच्छा ट्रैफिक आ रहा है। यहाँ तक कि ये जो स्टोर है इसके भी मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे हुए थे कि यहाँ पे इनके कुछ प्रोडक्ट्स को किसी और
और ने रिपिन किया है और इस पे भी बहुत शानदार ट्रैफिक आ रहा है। तो एक और चीज ये कर सकते हैं, इसके बाद जो आपके जो भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये वाला जो स्टोर है इसका भी एक अकाउंट अभी नया क्रिएट हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक्सोप सर्च करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सोप से सर्च किया है तो यहाँ पे लोगों ने एक्सोप करके कुछ बनाए हुए हैं, लेकिन किसी और वेबसाइट का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टोर एनवी का है, ये भी पॉपी एप्स का है, तो मतलब ये जो है ये थोड़ा सा ब्रांड टाइप से बन चुका है ये वाला जो एक्सोप स्टोर है, तो इसका लोग फायदा उठा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टी शर्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने इसमें यहाँ पे एक्सोप करके यहाँ पे नेम यूज किया है, और कहा जाए तो ये जो टी शर्ट वगैरह है ये हो सकता है कि एक्सोप के अंदर भी ये टी शर्ट वगैरह अवेलेबल हो। यहाँ पे हम किंग क्वीन वगैरह भी सर्च करके देख लिया करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेम टी शर्ट है वो इनके पास भी ये वाली सेम टी शर्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे कहा जाए तो या तो ये वाला पिन जो है वो इनने एक्सोप्स का जो पिंटरेस्ट अकाउंट होगा उससे पिन किया होगा, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है, आप इसको जाके यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है यूट्यूब शॉर्ट्स। आपको पता है कि यूट्यूब शॉर्ट्स में सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। मैंने आपके लिए कुछ, आपने मेरे यहाँ पे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपके लिए बताया था कि यूट्यूब शॉर्ट्स इतने ज्यादा काम करते हैं जिसके में अगर बाकी सभी वीडियोस में 1,000 व्यूज हैं और उसका यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगे तो मिलियंस में व्यूज रहा करते। और जहां तक कि आप यहाँ पे अगर ये वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे भी सिंपल से मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स को पोस्ट किया था और उसमें तकरीबन 5-6 वीडियो में ही आपको तकरीबन 700-300 करीब व्यूज यहाँ पे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट, ऑब्वियसली बात है क्वालिटी कंटेंट डालना पड़ेगा, तो आप भी बहुत अच्छी सेल निकाल सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपके लिए डेमो, आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप किन किन तरीकों से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, साथ में पिंटरेस्ट है और यूट्यूब शॉर्ट्स, इन सभी का यूज करके एज अ बिगिनर आप फ्री में ट्रैफिक ले सकते हैं। इसके अलावा जो एक और स्ट्रेटजी मैंने आपके लिए बताई हुई थी वो स्ट्रेटजी मैंने आपके लिए यहाँ पे, अगर ये वाला वीडियो देखेंगे इसमें मैंने आपके लिए बताया था कि मैंने सिंपल सा आपके लिए एक चीज बताया था कि आपको जो भी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस मिलते हैं, जो भी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस आपके लिए मिले उनमें सिंपल सा कमेंट करना है। मान लीजिए ये कोई मोस्ट पॉपुलर, अभी तो ये इतना मोस्ट पॉपुलर नहीं है, लेकिन कोई भी मोस्ट पॉपुलर वीडियो आपके लिए दिखाई देता है तो उसके कमेंट्स में सिर्फ आपके लिए रिप्लाई करना है और आप उससे जो सेल लेके आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ही आप सेल लेके आ सकते हैं। तो ये चीज आप समझ के रखिए कि एक ही दिन में आपकी सेल आ सकती है। अगर ये जो मैंने अभी आपके लिए बताया है अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो ये वाला जो वीडियो है ये आप देख लेना, सारी चीजें आपके लिए समझ में आ जाएंगी। और इसके अलावा आप लोग अगर चाहते हैं कि व्हाट्सएप मार्केटिंग और टेलीग्राम मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, अगर उस पर भी वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं इसके लिए भी आपके लिए नए नए वीडियो बना के दूंगा। अब यहाँ पे बात की जाए तरीका नंबर 3, तो थर्ड जो वे है वो है कूपन्स एंड ऑफर्स। सबसे पहली बात है कि आपको अपनी वेबसाइट पे जाना है या जो भी आप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप चिपचिप ही यूज कर रहे हैं या आप शॉपिफाई यूज कर रहे हैं, वूकॉमर्स यूज कर रहे हैं, सभी में एक ऑप्शन होता है कि आप वहां पे कूपन खुद के बना सकते हैं, खुद के कस्टम कूपन बना सकते हैं, उन कूपन्स के लिए भी आप प्रमोट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है आपकी वेबसाइट में कहीं भी टाइमर वगैरह लगा सकते हैं, जैसे यहाँ तो इन्होंने कोई भी टाइमर वगैरह नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने स्पेशल डिस्काउंट करके यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे तो आपके लिए 20% डिस्काउंट आपके लिए मिलेगा नेक्स्ट ऑर्डर पे। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि लोग आके अपने ईमेल सबमिट करते हैं, तो ये एक तरीका हो गया। और साथ ही आप चाहें तो कुछ टाइमर वगैरह लगा सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे भी टाइमर वगैरह लगा दिया करते हैं कि अगर आप इतनी देर में नहीं करते हैं, या फिर एक और काम आप कर सकते हैं, कई बार आप किसी स्टोर को देखेंगे जैसे यहाँ पे अगर हम इसको बाहर लेके, जैसे ही माउस को बाहर लेके जाते हैं तो कई बार यहाँ पे पॉपअप आता है, इस वेबसाइट पे भी आता है, लेकिन मैं इसको एक काम करता हूँ किसी और जगह पे ओपन कर लिया करता हूँ किसी और ब्राउजर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया है, अब मैं जो मेरा माउस है यहाँ पे, ये सारी चीजें मैं हटा दिया करता हूँ, अब ये जो माउस है मैं यहाँ पे अगर बाहर लेके जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे पॉपअप आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट 20% ऑफ और यहाँ पे बंदे को
एक इन्होंने एक चीज सजेस्ट कर दी कि सिंपल सा आप यहाँ पे अपना ईमेल डालिए और 20% ऑफ लीजिए आपके नेक्स्ट ऑर्डर पे, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये चीज भी आप कर सकते हैं कि आप अगर चाहें तो आप इसी टाइप की चीजें उनके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं और एक कूपन अपना प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चीज हो गई कि उनके लिए दोबारा बुलाने के लिए, या कहा जाए तो एक ही यूजर दोबारा आपके स्टोर पे कैसे आएगा, उसके लिए ये वाली चीज आप जरूर कीजिए। इसके अलावा दूसरी जो चीज है कि आपने जो भी कूपन बनाया, मान लीजिए 10% 20% किसी टाइप का भी आपने कूपन बनाया है, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स में जाके उस कूपन को सबमिट करना है। और ये रियली बहुत ही शानदार वर्क करता है। जैसे आप ये ऑब्वियसली बात है, ये तो मेरी वेबसाइट है AVS कूपन्स करके, यहाँ पे भी आप आके और अपना कूपन सबमिट कर सकते हैं। इसी टाइप से मान लीजिए यहाँ पे और भी मैं आपके लिए वेबसाइट दिखा दिया करता हूँ। सिंपल सा गूगल में जाना है, सबमिट अ कूपन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी वेबसाइट्स आपके लिए मिल जाएंगी जहां पे आप अपने कूपन्स को सबमिट कर सकते हैं। कुछ मैं वेबसाइट्स ओपन करके दिखा दिया करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपने स्टोर का नेम डालना है और कूपन जो है वो किस टाइप का है, ऑनलाइन कोड है ऑब्वियसली बात है, जो भी आपने कोड बनाया है, जो भी आपका डिस्काउंट है, कब एक्सपायर हो रहा है, ये सारी चीजें लिख के आपको सिंपल सा सबमिट कर देना है। और ये जो साइटें हैं इन पे लाखों का ट्रैफिक ऑलरेडी है, तो आप ये समझिए कि आज आपने कूपन सबमिट किया और शाम तक शायद आपको सेल भी आ जाए। इसी टाइप से एक और वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ओपन की हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि आपको सिंपल से कूपन यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। आप यहाँ पे फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीजें लिख के और आपको सबमिट कर देना है, और 100% है कि आपके पास सेल जरूर आएगी। तो यहाँ पे गूगल पे आगे सिंपल सा सबमिट अ कूपन आपके लिए सर्च करना है, और यहाँ पे जो जो भी वेबसाइट्स दिखाई दे रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी वेबसाइट्स दिखाई दे रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। सिंपल से जाके इन सभी पे आपको अपना कूपन सबमिट कर देना है। आप चाहे तो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए बना सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए वुमन एसेसरीज के लिए है, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं 10% ऑन वुमेन्स एसेसरीज। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि वुमेन्स एसेसरी पे आप एक कूपन बना दीजिए, आप बना दीजिए 10% ऑन मदर एंड किड्स प्रोडक्ट। तो इसी टाइप से आप डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज बना सकते हैं। टॉयज पे आप बना दीजिए 10% 20%। लेकिन आपके लिए एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपके प्राइस है वो ऐसा ना हो कि आपने अगर 20% दिया है और आपका मार्जिन भी 20% था तो आपने कुछ भी अर्निंग नहीं की। तो उस हिसाब से या तो प्राइस बढ़ा लीजिए आप, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा कम डिस्काउंट दे दीजिए। तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि जो भी आप दे रहे हैं 10% 20% वो आपके प्राइस में एड रहे। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। न्यू कस्टमर्स लेके आने के लिए बहुत शानदार तरीका है, सबसे कारगर तरीका है कि सिंपल सा आपको यहाँ पे कूपन सबमिट लोगों से करवाना है और ऑब्वियसली बात है बहुत शानदार आपके लिए सेल आ सकते। तो ये जो है ये तीसरा तरीका था जो कि सबसे अच्छा काम करता है। अब यहाँ पे जो फोर्थ तरीका है वो है हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर। गूगल मर्चेंट सेंटर क्या है, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लिया करते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल सा सर्च किया लिपस्टिक, अब पता नहीं स्पेलिंग सही है नहीं है, लेकिन लिपस्टिक मैंने सिंपल सा सर्च किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपके लिए स्टार्टिंग में रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, ये सभी रिजल्ट जरूरी नहीं है कि ये सभी पेड हो, क्योंकि यहाँ पे एड्स लिखा हुआ है तो आप ऐसा सोचेंगे कि ये जो चीज है ये पेड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके एड चलाए भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब वो दिखाई कैसे देती है, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है गूगल मर्चेंट सेंटर में। सिंपल सा आपको गूगल में सर्च करना है गूगल मर्चेंट सेंटर, और यहाँ पे आप इस पेज पे आएंगे। यहाँ पे आप अपना कंप्लीट अकाउंट बनाइए, साथ में अकाउंट करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं। पहले ये चीज पेड थी, ये चीज आप ध्यान रखना कि पहले ये चीज पेड थी कि अगर आप एड चलाएंगे तभी आप इसको यूज कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से 1-2 साल से ये चीज हो गई है और मैं भी इसको ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। बहुत शानदार ट्रैफिक आता है और जो भी ट्रैफिक आता है वो बहुत इजीली कन्वर्ट भी हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल सा मैंने अगर लिपस्टिक सर्च किया या जो भी मैं सर्च करूंगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं सिंपल सा मेकअप अगर सर्च करता हूँ तो भी आप यहाँ पे देखेंगे कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स आ गए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी आप सर्च करेंगे किसी भी पेज से पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रिजल्ट शो करता है, और ये रिजल्ट आप फ्री में भी कर सकते हैं, और अगर आप पेड में जाना चाहें तो पेड का भी इनके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आप पेड में नहीं जाना चाहते तो सिंपल सा आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर देना है और आप यहाँ पे तकरीबन लाखों लोगों के लिए फ्री में टारगेट कर सकते हैं कि जो भी लोगों ने सर्च किया है, मेकअप सर्च किया,
लिपस्टिक सर्च किया या व्हाटएवर जो भी लोगों ने सर्च किया वो प्रोडक्ट आपका दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये चीज कैसे करना है उसके लिए थोड़ा सा इनका ट्रिकी पार्ट है, कहा जाए तो इतना भी ज्यादा ट्रिकी नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि गूगल मर्चेंट सेंटर पे आपको एक कंप्लीट वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा। क्योंकि अभी मैं अगर इसको इस चीज में पूरा इंक्लूड करूंगा तो आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन आधा एक घंटा ये पोर्शन में ही चला जाएगा। तो आपको ये गूगल मर्चेंट सेंटर में अगर कोई इशू आ रहा है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह डालने में या कहा जाए तो प्रोडक्ट वगैरह अपलोड करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। वैसे इसका एक सिंपल फंडा है कि सिंपल सा आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना है, आपका जो URL है वो आपको डालना पड़ेगा, साथ में जो भी आपकी वेबसाइट है उससे ये कंटेंट ऑटोमेटिक फेच कर लिया करता है। और आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप गूगल शीट वगैरह के थ्रू भी यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो ये अगर आपके लिए चाहिए है तो आप मुझे बताना, बाकी मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है तो सारी चीजें आपको खुद भी समझ में आ सकती है। तो ये हमारा फोर्थ तरीका था जो आपके लिए रियली बहुत शानदार ट्रैफिक देगा। जैसा कि मैंने आपके लिए एग्जांपल दिखाया है कि कोई कुछ भी सर्च कर रहा है तो सबसे पहले जो गूगल दिखाता है वो यही चीज दिखाता है। तो अगर आपका भी कोई इसी टाइप का प्रोडक्ट है तो आप इसके लिए एक बार जरूर यूज कीजिए। गूगल मर्चेंट सेंटर के बाद जो पांचवी चीज आती है वो आता है ब्लॉगिंग। ऑब्वियसली बात है जो भी मोस्ट पॉपुलर साइट्स होती हैं वो ब्लॉगिंग करती हैं। मान लीजिए ये जो साइट्स है तो इस पे भी आप देखेंगे तो इसने भी कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह लिखे हुए हैं, और इस ब्लॉग के अंदर भी आप देखेंगे तो कुछ इन्होंने खुद के प्रोडक्ट्स भी लगाए हुए हैं। ये आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने किया है कि आप भी सेम इसी टाइप से प्रोडक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे बाय नाउ वगैरह की लिंक दी हुई है, परफेक्ट टीथ वेनियर या जो भी प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी टाइप से ब्लॉगिंग यहाँ पे की हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कोई भी ब्लॉग लिख सकते हैं, और ब्लॉग लिखने के साथ ही आप चाहें तो उस ब्लॉग के लिए मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स पे भी पोस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो सेम ब्लॉग था, इसी सेम ब्लॉग के लिए आप और भी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स होती हैं जिनमें से एक आता है मीडियम, फिर आप यहाँ पे एक और देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं लिंक्डइन पल्स करके, आपने सुना होगा। लिंक्डइन पे भी आप अपने आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम इसी टाइप से आप अपने आर्टिकल भी पोस्ट कर सकते हैं। एक और वेबसाइट के बारे में कुछ दिन पहले ही मैंने आपके लिए बताया था, न्यूज ब्रेक के बारे में, तो न्यूज ब्रेक में भी आप अपने आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आना और यहाँ पे न्यूज ब्रेक करके सर्च करना तो आपके लिए ये वाला आर्टिकल भी मिल जाएगा, जहां पे मैंने आपके लिए बताया था कि आपको सिंपल से आर्टिकल्स लिख के आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे एक बहुत शानदार ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। ये शायद वो आर्टिकल है या जो भी मुझे आर्टिकल अगर मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे आके और सिंपल सा न्यूज ब्रेक सर्च कर लेना तो ये वाला चीज भी आपके लिए मिल जाएगा। इसके साथ ही मैंने आपके लिए एक और प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था जिसका नाम था वोकल मीडिया। ऑब्वियसली बात है आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो इसके बारे में भी आपने सुन के रखा होगा कि यहाँ पे भी आप आके एक अपना आर्टिकल पब्लिश कर सकते। यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश करने के दो फायदे होते हैं कि एक तो आप चाहें तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं टिप वगैरह सब्सक्रिप्शन वगैरह इसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं, और अगर आपके लिए इस सब के थ्रू नहीं करना है तो आपके पास एक बहुत शानदार ऑप्शन होता है ट्रैफिक का कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप यहाँ पे किसी भी इस टाइप का रिव्यू वगैरह या अच्छा खासा, मान लीजिए ये जो ब्लॉग पोस्ट लिखी है इसी को आप चाहें तो आप यहाँ पे आके पोस्ट कर दीजिए। तो उससे होगा क्या कि जो भी यहाँ पे पब्लिक रहेगी वो आपके ब्लॉग्स को रीड करेगी और जो भी आपने उसमें लिंक वगैरह दी होगी उसके थ्रू वो आपकी वेबसाइट पे आएगा। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपको मैं कुछ यहाँ पे वेबसाइट्स बता दिया करता हूँ जिसमें से एक है मीडियम, दूसरा है लिंक्डइन, फिर हब पेजेस, वोकल डॉट मीडिया, न्यूज ब्रेक, एस्टीमेट, सबस्टैक, क्वेरा हो गया, और इसके साथ ही टम्बलर का आप यूज कर सकते हैं। write.s करके भी एक वेबसाइट है, आप उसका यूज कर सकते हैं। फिर आप लाइव जर्नल करके भी एक वेबसाइट है, इन सभी का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा जो भी आपने आर्टिकल लिखा हुआ है उसी आर्टिकल के लिए आप जगह जगह पे पोस्ट कर सकते। तो ये भी एक तरीका है। आप ये समझ के रखिए कि ये जो पांच तरीके मैंने बताए हैं ये बहुत शानदार हैं और अनलिमिटेड ट्रैफिक लेके आएंगे। ये जो भी मैं वेबसाइट्स बता रहा हूँ ये सभी ट्रैफिक का भंडार है। आप ऐसे समझ के रखिए कि यहाँ पे अगर आपने पोस्ट किया, और मोस्टली टाइम क्या होता है कि आपकी अगर ब्लॉग अच्छी है और एक दो चार लोगों ने भी उसको लाइक कर दिया, या यहाँ पे शायद क्लैपिंग का ऑप्शन होता है, तो क्लैपिंग अगर लोगों ने कर दिया तो मीडियम खुद ईमेल के थ्रू ये सारी चीजें भेजता है, मतलब लोगों लाखों लोगों के पास ये चीज भेजता है कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा ट्रैफिक है कि अगर आपके कोई भी सर्च करेगा इन सभी प्लेटफॉर्म पे तो आपका जो भी ब्लॉग है वो भी आपका यहाँ पे दिखाई देगा, और जो आपका ब्लॉग दिखाई दे रहा है
है तो ऑब्वियसली बात है उसके थ्रू ट्रैफिक जरूर आएगा। तो ये जो भी मैंने आपके लिए प्लेटफॉर्म बताए हैं, एक तो आप अपनी वेबसाइट पे भी अच्छा खासा कंटेंट लिख के अपने ब्लॉग को भी रैंक करवा सकते हैं। अगर आपके ब्लॉग में रैंकिंग में टाइम लग रहा है तो आप ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है मीडियम वगैरह जिन पे आप बड़ी आसानी से अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, या जो आपने ब्लॉग लिखा हुआ है, मान लीजिए ये जो ब्लॉग यहाँ पे लिखा हुआ था सेम ब्लॉग के लिए आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ये वाली जो लिंक है यहाँ लिंक को आप कॉपी कर लीजिए और सिंपल सा यहाँ पे जब आप अकाउंट बना लोगे तो एक ऑप्शन आता है कि सिंपल सा आप अपनी लिंक डालोगे, खुद वो कंटेंट पूरा फेच कर लेगा, इमेज फेच कर लेगा, एवरीथिंग। सिंपल सा आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन वगैरह करना होगा तो वो आप कर लेना। तो ये एक बहुत शानदार तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, अब मुझे नहीं पता एडिटिंग करने के बाद कितना आएगा, लेकिन यहाँ पे तकरीबन एक घंटा भी मुझे दिखा रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज जो मैंने आपके लिए 5 तरीके बताए हैं, आप इन 5 तरीकों के लिए अप्लाई कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें ऐसे 6 तरीके और आने वाले हैं। टोटल 11 तरीके थे, तो ऐसे 6 तरीके और आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और विद इन 1 डेज में ही आपका नया वीडियो आ जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, जो भी इस वीडियो में चीजें बताई हैं उन सभी को इम्प्लीमेंट करके रखिए और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसको देखने के बाद आगे का प्रोसेस कीजिए। तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपका इसमें जो भी तरीके बताए हैं उनमें से किसी में भी डाउट है या उसका फुल वीडियो आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका फुल वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू दोस्तों।